अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, फार्मी मुर्गी या ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर चाहे वो हमारे रोज़मर्रा के खानों में हो या फास्ट फूड प्रोडक्ट्स की सूरत में। यह हर एक की पसंदीदा खुराक बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया की आबादी में हर लम्हा बेइंतहा इजाफा हो रहा है। एक वक्त था कि मुर्गी का गोश्त हासिल करने के लिए उन्हें घरों में कुदरती तौर पर पाला जाता था, जिन्हें देसी मुर्गी भी कहा जाता है। ये मुर्गी आमतौर पर 6 माह से 1 साल के अरसा के दौरान जवान होकर खाने के काबिल हो जाती है, जो इसकी मुख्तलिफ नस्लों पर मुनहसिर होता है। मगर वक्त के साथ साथ आबादी में इजाफा और इसके नतीजे में पैदा होने वाली मुर्गी के गोश्त की डिमांड में इजाफे की वजह से इसकी पैदावार के मसनूई तरीकों पर अमल किया जाने लगा, जिस पर तजर्बात 1916 से ही शुरू हो गए। मगर 1930 में साइंसदान कॉर्निश नस्ल के मेल मुर्गे और प्ले माउथ रॉक्स नाम की फीमेल मुर्गी के मिलाप से एक नई नस्ल तैयार करने में कामयाब हो गए, जो आज की मौजूदा ब्रायलर चिकन है। 1960 में इसे खूब शोहरत हासिल हुई और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल बढ़ता गया, जो कि खास तौर पर गोश्त हासिल करने के लिए तैयार की गई थी, जो सिर्फ 4 से 7 हफ्तों में तैयार हो जाती हैं और इनका वजन 2 से 2.5 किलो तक जा पहुंचता है, जो कि कुदरती तरीके से मुमकिन नहीं। क्या आप जानते हैं कि ब्रायलर चिकन अपने अंदर किस किस्म की बीमारियां और जहर लिए हुए हैं और आपके जिस्म को अंदर से खोखला और सेहत को तबाह कर रही हैं? यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप ब्रायलर चिकन खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इन ब्रायलर चिकन को वक्त से पहले बड़ा करने और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए इन्हें खास खुराक दी जाती है, जो हर तरह के फजलात, मसलन मुर्गी की अपनी ही आंतों, मुख्तलिफ जानवरों के खून, मुर्दा जानवरों के गोश्त और बेतहाशा केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसे खास प्रोसेसिंग से गुजार कर तैयार किया जाता है। इसके अलावा इन्हें स्टीरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं, जो इन मुर्गियों के जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं और बाद में इन्हें खाने वाले इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। ये इसी किस्म के हार्मोन्स हैं जो बॉडी बिल्डर्स वक्त से पहले अपने जिस्म को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा उम्र के आखिरी हिस्से का बिस्तर पर गुजारने की सूरत में निकलता है। ब्रायलर चिकन के जिस्म में मौजूद ये ग्रोथ हार्मोन्स जब इंसानी जिस्म में पहुंचते हैं तो कई जानलेवा और पेचीदा बीमारियों का बायस बनते हैं। मसलन ये ग्रोथ हार्मोन्स बच्चों के जिस्म में दाखिल होकर उन्हें वक्त से पहले जवान कर देते हैं, जो हमारे यहाँ आजकल बहुत आम हो चुका है। कम सिन बच्चे कम उम्री में ही मर्दाना और जनाना सलाहियतों के हामिल हो जाते हैं, जिससे इनकी फितरी तौर पर बढ़ोतरी असर अंदाज होती है। इसके अलावा हार्मोन्स तब्दील होने से हम जिंस प्रस्ती के जज्बात पैदा होते हैं। इसके अलावा तेजी से फैलते कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिस्म पर गैर जरूरी बाल और थायरॉयड ग्लैंड्स पर भी असर अंदाज होते हैं। थायरॉयड ग्लैंड्स गले में मौजूद मखसूस आज़ा होते हैं, जो एक खास रतूबत खारिज करते हैं, जिससे इंसानी जिस्म के कद और निज़ाम इन्हज़ाम का तायुन होता है। लिहाजा कद का छोटा रह जाना, मैदे का अल्सर और हाजमे की खराबी जैसे अमराज जन्म लेते हैं। अगर आप कभी गौर करें तो ब्रायलर चिकन जो चंद हफ्तों में तैयार हो जाती है, इसे खुला छोड़ देने पर भी वो ज़्यादा मज़ाहमत नहीं करती। इसकी वजह इसके जिस्म को गैर फितरी तरीके से फुला देना या सुजा देना है। इसके बरक्स देसी मुर्गी को अगर आप पकड़ना चाहें तो वो आपको अच्छी खासी वर्जिश करवा देती है। ब्रायलर चिकन के नाम पर आपको जहर खिलाया जा रहा है और आप पैसे देकर बीमारियां खरीद रहे हैं। आजकल चिकन शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर और चिकन नगेट्स वगैरह की बदौलत चिकन की डिमांड में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और यकीनन आप लोग भी इसमें से किसी न किसी चीज़ के आदी होंगे, जिनका मुसलसल इस्तेमाल तरह तरह की पेचीदा बीमारियों का बाइस बन रहा है। अबू मंसूर इब्न ताहिर अल बगदादी इराक के शहर बगदाद में पैदा होने वाले एक मशहूर मुसलमान आलम दीन थे। आप 980 ईस्वी में पैदा हुए और 1037 में आपका इंतकाल हुआ और अपनी एक किताब में आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं कि हिंदुस्तान तकसीम होगा और इससे एक ऐसी रियासत बनेगी जो मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल होगी। ये रियासत अपने बनने के बाद से अफरा तफरी का शिकार रहेगी। वहाँ के लोग एक ऐसी खुराक का इस्तेमाल करेंगे जो खंजीर नुमा होगी और जाहिर है वो ये बात पाकिस्तान के बारे में फरमा रहे थे, जो हिंदुस्तान से अलग हुआ और शुरू से ही अफरा तफरी का शिकार है, और ये कि वो एक खंजीर नुमा खुराक खाने के आदि होंगे, जिससे वो दीन से दूर होते जाएंगे। इस वक्त ये एक बहुत ही अजीब सा इंकशाफ था, जिस पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो न दी, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद भी लोग ऐसी खुराक नहीं खा रहे थे।
मगर 2011 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर स्टुअर्ट जोन्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह भी थे, उन्होंने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि ब्रायलर चिकन और खिंजीर के गोश्त के बुनियादी तौर पर अमाइनो एसिड्स की तरतीब एक जैसी ही है। यानी ब्रायलर चिकन जिस मॉडल से तैयार किया गया, इसमें खिंजीर के मॉडल को ही फॉलो किया गया था। याद रहे कि खिंजीर को भी फार्मी तौर पर गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है, और इसी मॉडल पर ही ब्रायलर चिकन को भी तैयार किया जा रहा है। इस तहकीक के सामने आने के बाद एक जबरदस्त खलबली मच गई और अमेरिका को अपनी मल्टी बिलियन डॉलर की पोल्ट्री इंडस्ट्री डूबती नजर आने लगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। लिहाजा इस तहकीक पर पाबंदी लगा दी गई और डॉक्टर स्टुअर्ट को पागल और नफसियाती मरीज करार देकर जबरदस्ती पागलखाने में डाल दिया गया, जहां नवंबर 2015 में इनका पुरेसरार हालत में इंतकाल हो गया। ये तबई मौत थी या कत्ल, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। यही वजह है कि इस ब्रायलर चिकन को खाकर लोग जिस्मानी और रूहानी दोनों अमराज का शिकार हो रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्गी को जिबा करना चाहो तो उसे 3 दिन तक कैद करके रखो। इसमें हिकमत यह है कि वो बाहर की गंदी चीजें, मसलन कीड़े मकोड़े और दूसरी गलाजतें भी खाती रहती है, जो इसके जिस्म में मौजूद रहती हैं। लिहाजा 3 दिन तक इसे कैद रखने से इस गंदी खुराक के असरात इसके जिस्म से खत्म हो जाते हैं। मगर फार्मी मुर्गी या ब्रायलर चिकन के केस में ऐसा नहीं होता और उसे फौरन ही जिबा कर दिया जाता है, जो चाहे हराम ना भी हो मगर हदीस मुबारका के मुताबिक मकरूह जरूर है। ब्रायलर चिकन तिब्बी तौर पर भी काफी नुकसानदेह है। इसे खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता, मगर कुदरती तौर पर तैयार शुदा देसी मुर्गियों का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। हमारी रोजमर्रा की गजा में चिकन के बेतहाशा इस्तेमाल पर इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए मजीद जदीद तरीके पर काम किया जा रहा है, जो ब्रायलर चिकन से भी खतरनाक है, जिसके मुताबिक मुर्गी के गोश्त को लेबॉरेटरी में ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब मुर्गी को पालने और जिबा करने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। इसे टेस्ट ट्यूब मीट भी कहा जाता है, जिसमें साइंसदानों ने कामयाबी हासिल कर ली है। और इस मसनूई तरीके से तैयार करदा बीफ बर्गर मास्टर्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्क बुफ ने तैयार किया है। आने वाले दिनों में मुकम्मल मुर्गियां और बीफ को लेबॉरेटरी में ही तैयार किया जाएगा और गोश्त की जरूरियात को इसी मसनूई और गैर फितरी तरीके से पूरा किया जाएगा, जिसके खतरात और मुश्किलात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसके मुतालिक राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।